बच्चों चलो उठ जाओ, मुझे मोमोज बनाने की सारी तैयारी करनी है। हम भी आपकी मदद करते हैं। लाड़ो मोमोज बनाने का आटा गूंदने लगी। ढेर सारा आटा गूंदने के बाद उसने स्टफिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। बच्चे मोमोज की चटनी बनाने में अपने माँ की मदद करने लगे। चलो घर का सारा काम तो पूरा हो गया, रानो मोमोज बनाने में माहिर है, बाकी का काम दुकान पर जाकर हम दोनों पूरा करेंगे। जल्दी चलो लाड़ो, वरना हमें दुकान शुरू करने में देर हो जाएगी। देखो कालू जी, उस मोमोज वाली चिड़िया का सारा काम पूरा हो गया और वो मार्केट के लिए चली भी गई, और यहाँ हमारी नींद ही पूरी नहीं हो रही। देखो उसके मोमोज की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही है। क्या करे गोरी, अब तुम्हें मोमोज बनाने नहीं आते तो उसमें मेरी क्या गलती है? हाँ हाँ, अब इतना टॉर्चर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मोमोज बनाने नहीं आते, इसी वजह से तो मैंने मेरी प्यारी मम्मी से समोसे बनाना सीख कर आई हूँ। हाँ हाँ, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मतलब? अरे मेरा मतलब है, सारे कस्टमर तो लाडो चिड़िया के मोमोज वाले ठेले पर ही जाते हैं ना। अब हमारे समोसे टेस्टी नहीं बनते तो हम क्या कर सकते हैं भला? हाँ हाँ, बस हो गई बेइज्जती, मैं सब समझती हूँ। अब चलो मुझे समोसे बनाने में मदद करो, वरना आज का सारा धंधा चौपट हो जाएगा। इधर रानो और लाडो ने मिलकर अपने मोमोज की रेडी लगा दी। चलो हमारा काम तो हो गया। मोमोज की खुशबू पूरे जंगल में फैल रही थी। लाडो हमें 2 प्लेट मोमोज दे दो। हाँ तोते भैया, अभी लगाती हूँ। लाडो ने प्लेट लगाना शुरू कर दिया और उस पर चटनी भी डाल दी। ये लो तोते भैया, आपके 2 प्लेट मोमोज। अरे वाह 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 वाह, कितने टेस्टी मोमोज है। सच में चिड़िया, तुम्हारे बनाए हुए मोमोज खाकर तो ऐसा लगता है कि बस खाते ही रह जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बच्चों के लिए 2 प्लेट पार्सल कर दो। ये लो तुम्हारे 40 रुपए। हरियाली तोती और तोता अपने बच्चों के लिए पार्सल लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही मीनू मौसी वहाँ पर आ जाती है। कालू और गोरी ने भी अपना समोसे का ठेला लगा दिया। लाडो चलो जल्दी से मुझे 2 प्लेट मोमोज खिला दो। मीनू मौसी आज एकदम से 2 प्लेट? अरे नहीं नहीं बुलबुल, मीनू मौसी को हर रोज 2 प्लेट मोमोज लगते हैं। अरे वाह मीनू मौसी, क्या आपको मोमोज इतने पसंद है? अरे क्या करूं बुलबुल, ये बनाती ही इतने अच्छे से है कि मेरा 2 प्लेट खाए बिना मन ही नहीं भरता। और हाँ मीनू मौसी, मुझे 1 प्लेट। अरे हाँ हाँ टूनी, जरा रुक तो जा, पहले मेरे 2 प्लेट तो बनने दे, फिर बाद में ले लेना। ये टूनी है कि मेरे पीछे ही पड़ गई है। लाडो मेरा रहने दो, पहले इस टूनी को 1 प्लेट दे दो। मीनू मौसी मुझे 1 समोसा भी खाना है। अरे पगली, समोसा खाकर क्या तुझे बीमार पड़ना है? पिछली बार मैंने गलती से 2 समोसे खाए थे, मैं 4 दिन तक उठ नहीं पाई। लाडो जल्दी से मुझे मेरे मोमोज दे दो। हाँ मीनू मौसी, ये लो आप दोनों के मोमोज। लाओ लाओ जल्दी से लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। देख लो कालू जी, कैसे ये लाड़ो चिड़िया हमारे मुंह पर हमसे ज्यादा कमा रही है, और हम है कि अब तक हमारी बोनी भी नहीं हुई है, सारे ग्राहक उसके पास ही चले जाते हैं। हाँ हाँ गोरी, अगर तू ईमानदारी से बिजनेस करती तो तुम्हारा भी समोसे का ठेला अच्छे से चलता, पर तुम्हें तो सिर्फ पैसा कमाना था। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगी तो अच्छे से व्यापार कर पाओगी। रहने दो मीनू मौसी, आप हमें मत सिखाओ कि कैसे बिजनेस करना है, वो हम अच्छे से जानते हैं। छोड़ो मुझे क्या करना है, मैं तो चली। पर मीनू मौसी मेरा समोसा? कोई समोसा वमोसा नहीं, चल यहाँ से घर चल, मैं तुझे जितने चाहे उतने समोसे खिला दूंगी। मीनू मौसी वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही
वहां पर एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। अरे बेटी सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? गोरी ने बूढ़ी चिड़िया की ओर देखा और सोचने लगी, अरे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, क्या इसके पास पैसे भी होंगे? बेटा, अरे ओ बेटा, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत भूखी हूँ। अरे हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी आपको समोसे देता हूँ। रुको कालू जी, अरे ओ बूढ़ी चिड़िया, तुम जितने चाहो उतने समोसे खा लो, पर उसके लिए पैसे लगेंगे, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? अरे बेटी, मेरे पास तो पैसे नहीं है। क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? नहीं बेटी, मैं बेसहारा हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं ऐसे ही मांग कर मेरा पेट भरती हूँ। तो इसमें हम क्या करें, पैसे नहीं है तो खाना भी नहीं है, चली जा यहाँ से। अरे गोरी, ये तुम क्या कर रही हो? ये बेचारी बूढ़ी चिड़िया सुबह से भूखी है, अगर हम उसे एक दो समोसे दे देंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हम यहाँ पर कोई धर्मशाला नहीं चला रहे, जो इन भिखारियों की मदद करते रहेंगे। बूढ़ी चिड़िया रोने लगी। तू एक काम कर बुढ़िया, तू उस लाड़ो चिड़िया के पास चली जा, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगी। बूढ़ी चिड़िया नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अपना मुंह उठा के। इधर बूढ़ी चिड़िया लाड़ो के मोमोज वाले ठेले के पास आ जाती है। लाड़ो ने उस चिड़िया की हालत देख ली। बूढ़ी चिड़िया की हालत देख लाड़ो को उस पर दया आ गई। अरे माँ जी, क्या हुआ, आप परेशान लग रही हो? बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना दे सकती हो? कुछ भी रूखा सूखा चलेगा। रूखा सूखा क्यों, मैं आपको गर्मा गर्म मोमोज खिलाती हूँ। पर बेटी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं माँ जी, मेरा आज का जितना मुनाफा होना था उतना हो चुका है, आप पैसे मत दीजिए, ये मोमोज खा लीजिए। ऐसा बोलकर लाड़ो ने बूढ़ी माँ को एक मोमोज की प्लेट दे दी। बूढ़ी चिड़िया के आंखों में आंसू थे, वो बहुत भूखी थी, उसने मोमोज खाना शुरू कर दिया। रानो और लाड़ो उसे देखती ही रह गई। ऊपर वाला तुम्हें बहुत तरक्की दे दे, ऐसा कहकर वो वहाँ से चली गई। देखो कालू जी, अगर ये लाड़ो ऐसे ही सबको फोकट में मोमोज खिलाने लगी तो उसका दिवाला निकल जाएगा। दो तीन दिन गुजर गए, जंगल में सब तरफ हवा चल रही थी। अरे वाह, लगता है आज बारिश होने वाली है, इसका मतलब है आज मेरी दुकान पर गर्मा गर्म मोमोज खाने के लिए बहुत सारे पंछी आएंगे, मुझे जरा जल्दी से काम करना होगा। लाड़ो ने देरी ना करते हुए मोमोज बनाने का सारा सामान जुटा लिया। वो अपने मोमोज की रेडी लेकर मार्केट में आ गई। आज गोरी और कालू ने उन दोनों से पहले अपनी समोसे की दुकान शुरू की थी। आ गई, अब ये हमारे सारे कस्टमर खा जाएगी। जाने दो गोरी, हर एक का अपना अपना हिस्सा होता है, हम आज बहुत मेहनत करेंगे और अच्छे समोसे बनाएंगे। दिन भर लाड़ो के बनाए बहुत सारे मोमोज बिक गए। अरे वाह लाड़ो, आज तो हमारे मोमोज दोपहर तक ही खत्म हो गए, लगता है अब से आने वाले ग्राहक को खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अच्छा हुआ मीनू मौसी आप जल्दी आ गई, हमारे पास अभी सिर्फ 3 प्लेट ही मोमोज बचे हैं। रुको मैं अभी लगाती हूँ। कालू जी आज तो हमारे 5 समोसे बिक गए। अरे वाह गोरी, आज तो चमत्कार हो गया। हाँ हाँ पता है, मुझे चिढ़ाना बंद करो। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी बूढ़ी चिड़िया फिर से आ जाती है। अरे ओ बुढ़िया, तू फिर से आ गई, चल हट यहाँ से, फिर फिर भाग यहाँ से। बूढ़ी चिड़िया वहाँ से निकलकर लाड़ो के ठेले पर आ जाती है। लाड़ो ने उसे देख लिया, वो समझ गई कि बूढ़ी माँ भूखी है। अरे माँ जी आज आपने देर कर दी, आज तो मोमोज खत्म हो गए हैं। ये तभी उसके मन में एक तरकीब आ जाती है। मीनू मौसी, क्या आप एक प्लेट इन माँ जी को दोगी?
मैं घर जाते ही आपके लिए ढेर सारे मोमोज बनाकर खिला दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, मुझे ढेर सारे मोमोज खाने को मिलेंगे तो मैं इनको एक प्लेट दे दूंगी। मीनू मौसी उनको एक प्लेट दे देती है। तभी वहाँ पर शिकारी चील आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, जल्दी से मुझे 10 प्लेट मोमोज दे दो। चील भाई, अभी तो मोमोज खत्म हो गए हैं। आपको कल तक का इंतजार करना होगा। मुझे सब पता है, मैं पैसे नहीं देता, इसी वजह से तुम झूठ बोल रही हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी के अभी 10 प्लेट मोमोज चाहिए। ऐसी बात नहीं चील भैया। अरे ओ चील के बच्चे, क्या तुझे एक बार बताने में समझ नहीं आता? चल भाग यहाँ से। तुम सब मुझे बुद्धू समझ रहे हो? रुको, अभी बताता हूँ तुमको। ऐसा कहकर चील ने लाड़ो की मोमोज की दुकान तोड़ दी और वहाँ से चला गया। रानो और लाड़ो रोने लगी, उनके कमाई का जरिया ही टूट गया था। कोई बात नहीं लाड़ो, हम फिर से हमारी दुकान लगाएंगे। गोरी जोर जोर से हंसने लगी। रात भर तेज बारिश चलती रही। लाड़ो रात भर सो नहीं पाई। जब उसे नींद लग गई, तब उसके सपने में वही बूढ़ी चिड़िया आ गई। नाराज मत होना बेटी, तुम बहुत मेहनती और दयालु चिड़िया हो। कल तुम जब अपने ठेले के पास जाओगी, तब उस पर एक पेड़ का पत्ता रख देना, तुम्हारा नया ठेला बन जाएगा। सुबह होते ही लाड़ो ने अपना सपना रानो को बताया। चलो लाड़ो, हम वैसा ही करते हैं जैसा बूढ़ी माँ ने बताया है। जब दोनों अपने टूटे हुए ठेले के पास आ जाती है, तब वहाँ पर सब तरफ बाढ़ का पानी जमा हो गया था। जैसे ही लाड़ो ने एक पत्ता अपने टूटे हुए ठेले पर रख दिया, वैसे ही मानो जादू सा हो गया और उनका छोटा सा ठेला बड़ी पत्तों की दुकान में बदल गया। गोरी और कालू ये सब देखकर चौंक गए। अरे लाड़ो, ये सब कैसे हो गया? ये सब उन बूढ़ी माँ जी का कमाल है। वो तो सिर्फ हमारा इम्तिहान लेने आई थी, उसमें मैं और रानो पास हो गए। जब हमारी नीयत साफ होती है, तब ऊपर वाला भी हमारी मदद करता है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी बढ़ता गया, वैसे वैसे लाड़ो की पत्तों की दुकान पानी के ऊपर तैरने लगी। जंगल में सारे पंछियों को ये बात पता चल गई। सब मिलकर लाड़ो की पत्तों वाले मोमोज की दुकान देखने आए। उस दिन लाड़ो ने खुश होकर सबको फ्री में मोमोज खिला दिए।